तो भी रिसेंटली मैंने जितने मोबाइल फोन्स को अनबॉक्स किया है ना, ये वाला सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक तो इसका बॉक्स कंपेरेटिवली काफी बड़ा है, काफी ज्यादा भारी है, इस बॉक्स में सामान बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर जो फोन है उसकी भी स्पेक्स एकदम ऐसा पूरा बहुत भर भर के ब्रांड ने दी है, और प्राइस भी ज्यादा है। दोस्तों हमारे पास में है ये लेटेस्ट, आपको दिख रहा है लिखा हुआ बड़ा बड़ा Porsche डिजाइन, ये है Porsche डिजाइन Honor Magic 6 RSR। आज हम इसी को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है ये फोन, क्या है कंप्लीट पैकेज, मजा बहुत ज्यादा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो अच्छा लगता है जब हमारे पास में ऐसे ऐसे बॉक्स आते हैं, बिकॉज अनबॉक्सिंग इज एन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम हटाते हैं साइड में, एंड डब्बे में जब एक और डब्बा निकल जाए तो प्रीमियमनेस का अपने आप थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगेन Porsche डिजाइन Honor Magic 6 RSR लिखने को मिलता है, और जब हम इसको ओपन करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज। ओके, सो द फोन इज प्रेजेंटेड टू अस सबसे पहले, और इसको हम रखेंगे साइड में। बॉक्स के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, सो अंदर हमारे पास में तीन अलग अलग सेक्शंस हैं फिल्ड विद स्टफ। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर टूल Porsche डिजाइन ब्रांडिंग के साथ, और फिर इधर हमारे पास में है एक सुपर हाई क्वालिटी का ये केस, नीचे वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन, और मजे की बात जहां पे आज की डेट में कंपनीज चार्जर्स को गायब कर रही है, हमारे पास में दो दो चार्जर्स हैं, बोलो दो दो फास्ट चार्जर्स, दो दो केबल्स भी हैं। लेट्स सी गाइस, ये देखो, इनको पता है कि भाई जो Porsche डिजाइन वाले कस्टमर्स हैं ना, वो दुनिया भर घूमे घूमते रहते हैं, तो कहीं जाएं और चार्जर मांगना पड़ जाए, तो इसके लिए ये है यूरोपियन सिस्टम वाला चार्जर। अगेन ये फास्ट चार्जर है, 100 वॉट्स Honor सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ में। इधर है ये यूके स्टाइल वाला पिन वाला चार्जर, यहाँ पे भी 100 वॉट्स वाली टेक्नोलॉजी है Honor सुपर चार्जर। दो चार्जर्स के लिए केबल तो एक से काम चल सकता था, बट ना, एक चार्जर घर में लगा के रखो, एक केबल भैया उसी में काम में आएगी, और दूसरी केबल है इसके लिए, मतलब दोनों चार्जर्स हैं, दो केबल्स, इतना सब है हमारे पास। और अब अगर हम बात करते हैं फाइनली फोन की, जो कि यहाँ रखा है, हैव अ क्लोजर लुक, लेट्स गो इनसाइड कि क्या है यहाँ Honor Magic 6 RSR। सर एक चीज तो कंफर्म है, मतलब इस तरह के फोन के साथ ना, आप एक बार फोन को हाथ में लो, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए उसको देखोगे, अप्रिशिएट करोगे, और जो डिटेल्स है उनको फिगर आउट करोगे कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दिस डिजाइन। और सेम इज द केस विद दिस Honor Magic 6 RSR की फोन काफी प्रीमियम, काफी एक्सपेंसिव फील होता है, बिल्ड क्वालिटी इज एकदम टॉप नॉच, और Porsche डिजाइन आपको पता है, मतलब Porsche कार्स में कितनी ज्यादा ब्यूटी होती है, इसी तरीके से फोन को भी काफी ब्यूटीफुल सा बनाया है। अगर हम बात करते हैं एक फिजिकल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो ऑफकोर्स हमारे पास में मेटल फ्रेम है, और फ्रेम का जो कलर है वो फोन के बैक से एकदम मैच करता है, तो ये दिखने में काफी एक सीमलेस लुक हमको देता है। ऑन द राइट साइड हमारे पास में है पावर बटन के ठीक ऊपर वॉल्यूम रॉकर। अगर हम बात करते हैं टॉप साइड की, तो हमारे पास में है सेकेंडरी माइक्रोफोन, फिर हमारे पास में एक IR ब्लास्टर है, और फिर है एक प्रॉपर स्पीकर ग्रिल फॉर स्टीरियो स्पीकर्स। लेफ्ट इज ऑल क्लीन फोन में। नीचे हमारे पास में एक सिम ट्रे है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, USB-C पोर्ट, और साथ में फिर स्पीकर ग्रिल। अगर हम बात करते हैं पीछे की, तो इसमें आप देखोगे ना, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन मेरे को मिला है, जहाँ पे Honor लिखा है, Porsche डिजाइन लिखा है, लेकिन ये जो बीच में लाइन है, इट इज़ एक्चुअली रेज्ड, मतलब दिस एक्ट्स लाइक एक ऐसा, मेरे को जैसे कार्स में होता है पीछे स्पॉयलर, तो वैसा फील हो रहा है कि ये ना ऐसा और ऐसा, मतलब ग्लास को जो ये बेंड सा किया हुआ है ना बीच में, ये एक रेज्ड लाइन डाल के ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक लुक दे रहा है इस फोन को। ऊपर दोस्तों हमारे पास फिर ये बहुत ही यूनिक सी कैमरा असेंबली है, जहाँ पे अगेन जो
डिटेल्स हैं, मतलब दे आर एक्चुअली फैंटास्टिक। हमारे पास में एक ट्रिपल कैम सेटअप है 50+50+180 मेगापिक्सल्स का। डिटेल में हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे स्पेक्स। और अगर हम बात करते हैं सामने, तो ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 6.8 इंचेस का एक स्क्रीन, जो कि ऑफकोर्स आपको बहुत ही एक अच्छा कर्व प्रोवाइड करता है। और मज़े की बात, यहाँ पे हमारे पास में ये जो आपको मिल रहा है फ्रंट फेसिंग कैमरा सेटअप, ये प्रॉपर डेप्थ वाली फेस अनलॉकिंग को सपोर्ट करता है। मतलब कैमरा हमारे पास में 50 मेगापिक्सल्स का, बट यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर भी है, ताकि फेस अनलॉकिंग आईफोन्स में जैसे होती है ना, वैसे एकदम सिक्योर हो जाए। और इसलिए आपको ऐसा इसकी शेप मिल रही है बेल शेप में। ऑफकोर्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह तुमको फोन में मिलता है। मतलब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से रियली वेल डन ऑनर मैजिक 6 RSR में। अब दोस्तों यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड दिस फोन, क्योंकि देखो डिज़ाइन को आप देखते रह सकते हो घंटों तक, बट एट द एंड तो फोकस करती है चीज़ वो ये कि भाई इसके अंदर क्या है। तो हमारे पास में है परफॉर्मेंस एकदम मैक्सिमम लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। एज एक्सपेक्टेड एक ही वेरियंट आता है, बिकॉज कंपनी बोलती है जब इतना पैसा खर्चा करते हो तो फिर कहाँ 128 GB में और 8 GB से काम चलेगा। तो हमारे पास में है 24 GB की रैम और 1 TB की स्टोरेज, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे हमारे पास में है 5600 mAh की एक सिलिकन कार्बाइड बैटरी। ये एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल के साथ में भी हमको 5600 mAh की बैटरी इसमें पैक्ड मिलती है। और जैसा आपने देखा बॉक्स में हमको मिलता है 100 W का चार्जर, एक नहीं दो, तो ऑफकोर्स ये 100 W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ में फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, और रिवर्स वायरलेस का ऑप्शन भी हमारे पास में है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्या ये फोन पे रन कर रहा है फिलहाल दोस्तों, तो दिस इज आपको पता है ऑनर का जो OS है वो इसमें चलता है, एंड्रॉयड 14 पे ये बेस्ड है। और जो मेन हाईलाइट है ना इस फोन की, वो इसका डिजाइन और जो पोशा वाला पूरा कोलैबोरेशन है वो तो है ही, बट कैमरा इज एक्चुअली वेरी यूनिक, एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है हमारे पास में, जो कि यहाँ आपको ये लगा हुआ मिलता है, ये दोस्तों 50 मेगापिक्सल्स का एक वेरिएबल एपर्चर के साथ में आने वाला कैमरा, f1.4 से f2 के बीच में ये वेरी करता है। हमारे पास में ऑफकोर्स इसमें लाइडार वाला ऑटो फोकस है, और OIS वगैरह है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पैक्ड मिल जाती हैं। फिर हमारे पास में इधर लगा है इसका दूसरा कैमरा, ये भी है 50 मेगापिक्सल्स का, और ये आता है अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में, जहाँ पे ऑफकोर्स ऑटो फोकस भी आपको इसमें मिलता है, मतलब मैक्रो शॉट्स के लिए नो प्रॉब्लम। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इंटरेस्टिंग कैमरा है ना, वो है ये ऊपर लगा हुआ, क्योंकि ये है 180 मेगापिक्सल्स का कैमरा विद 2.5x पेरिस्कोप जूम मैकेनिज्म। और ये हमने आज से पहले किसी फोन में नहीं देखा, दिस इज द फर्स्ट एवर। डिजिटली ये 100x तक जा सकता है अगर हम जूम की बात करते हैं, बट ये जो अभी आप कैमरा सैंपल्स देख रहे हो ना, मतलब इंक्लूडिंग द सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का और रियर के सारे ऑप्शंस के साथ में, ये सब रिजल्ट्स हैं स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम दिस ऑनर मैजिक 6 RSR। और ओवरऑल बोलूँगा कैमरा परफॉर्मेंस देख के जो है वो मतलब आप फील कर सकते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दिस फोन यू नो वुड परफॉर्म इन रियल लाइफ, और क्या एग्जैक्टली आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सभी तरह की सिचुएशंस में हमने इस फोन को ट्राई किया, एंड दीज आर द रिजल्ट्स सीधा आपकी आंखों के लिए। ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन की ना, IP रेटिंग हो गया, या नो प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम डिजाइन ऑल टुगेदर, जो इसका स्क्रीन है वो भी इसका नैनो क्रिस्टल डिस्प्ले है, जो ऑनर का अपना एक टेक्नोलॉजी है, और मतलब ओवरऑल बोलता हूँ फील्स लाइक एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, बिकॉज इस फोन में क्या कुछ चीजें पैक करी हैं, एट द सेम टाइम जो कोलैबोरेशन हुआ है विद पोर्शा, और ये पूरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि इस फोन की प्राइस। अब देखो इंडिया में तो ये फ़ोन है नहीं, लेकिन ग्लोबली जो इसकी प्राइस है अगर उसको कन्वर्ट करते हैं INR में, तो लगभग 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 1,70,000 रुपये का ये फ़ोन है। और मेरे को आज भी याद है, देर वॉज अ टाइम जब ब्लैकबेरी के फ़ोन्स हम यूज़ करते, तो मेरे पास में ब्लैकबेरी के 2-3 मॉडल्स थे जो कि पोर्शा डिज़ाइन वाले थे, और उनको लेने का मेन रीज़न यही था कि उसमें जो BBM का
पिन मिलता था ना वो VIP होता था, मतलब थोड़ा सा वो कॉन्फ़िगरेशन जो है अल्फान्यूमेरिक वो काफ़ी अच्छा होता था, इजी टू रिमेंबर। और BBM पिन जो है वो आपको फ़ोन के बॉक्स पे लिखा हुआ मिलता था, उसको आप चेंज बाद में नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई है मेरी पोर्शन वाले फ़ोन्स की। बीच में मैंने Huawei के एक दो फ़ोन्स लिए पोर्शन वाले, और अभी ऑनर ने कोलैबोरेट किया है PD के साथ में, तो ये क्लियरली दिखाता है कि यार मतलब बनाया तो फ़ोन खूबसूरत है। आप बताओ कि व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस फ़ोन, बिकॉज packed with performance, packed with features and packed with contents. क्या सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, सभी मोबाइल विक्रेताओं को क्या ऐसे डब्बों का इस्तेमाल करना चाहिए क्या दोस्तों? नीचे कमेंट में बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।